बहुत नेताओं को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखो ना, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है प्रताड़ित, पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और भी राज्य है, लेकिन वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही क्योंकि वो भाजप शासित राज्य है। देखिए, कानून जो होता है वो सबके लिए समान है, देश के लिए बना हुआ कानून है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। तो मुझे लगता है जो हमने आज लिखा है उसमें तथ्य है और देश भर में उसके ऊपर मंथन चलेगा और चलता रहेगा। सर जी, सर दूसरा एक एक, 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 एक दूसरी चीज़ सर, ये आज से राणी की जन आशीर्वाद यात्रा फिर से शुरू हो रही है, उनको योद्धा करके प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, उस पर एक रिएक्शन। दूसरा, बीजेपी की एक लेटर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, बीजेपी सीएम को हीरक महोत्सव या अमृत महोत्सव का फर्क बताने के लिए लेटर लिखेगी, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, लेटर लिख रही है, लिखना पढ़ना भी आता है, अच्छी बात है। हमें देश की स्वतंत्रता संग्राम, रिपब्लिक, क्रांति के बारे में, इतिहास के बारे में महाराष्ट्र को समझाने की और बंगाल को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों राज्य, जैसे कि कल मिस्टर राणे जी ने कहा कि हम महाराष्ट्र का बंगाल नहीं होने देंगे, देखिए ये एक बंगाल जैसे क्रांतिकारियों की भूमि का अपमान है, आपको बताना चाहता हूँ। और साथ साथ तो महाराष्ट्र का भी अपमान करना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री। पश्चिम बंगाल ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है महाराष्ट्र के साथ, जिस मंत्री को उस योगदान की याद नहीं, वो हमें 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है, वो सिखाना चाहते हैं। पहले इतिहास पढ़ो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में जो नए नए ऐसे लोग आए हैं उनके इतिहास की किताब देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का जो इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर पश्चिम बंगाल में, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, सुभाष चंद्र नेताजी बोस हो, और ममता बनर्जी तक लड़ने वाले लेकर पश्चिम बंगाल में, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, सुभाष चंद्र नेताजी बोस हो, और ममता बनर्जी तक लड़ने वाले लोग हम सब हैं यहाँ बाला साहब ठाकुर। थोड़ा इतिहास जानो, समझो और फिर हमारे साथ डिबेट में बैठो। इस लेटर पॉलिटिक्स पे क्या कहेंगे, क्या दबाव लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आप लेटर पॉलिटिक्स करो या गटर पॉलिटिक्स करो, हमारे साथ मुकाबला करना नामुमकिन है। आप करते रहिए, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, वैफल्य मराठी में बोलते हैं उसको, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है। आप इस तरह से मत निकालिए। आप अगर विपक्ष के नेता हो, विपक्ष पार्टी आपकी है, आप कुछ विधायक काम करिए देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए। इस प्रकार की जो भाषा का इस्तेमाल आप बार बार करते हो, देखिए पॉलिटिक्स करने का भी एक तरीका है। हम सब पॉलिटिक्स में है, हम सब पब्लिक लाइफ में है, हम एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, डेमोक्रेसी में सब चलता है हिंदुस्तान के, हम भी सहन करते हैं, आप भी सहन करें। लेकिन गत 2 साल से जो चल रहा है बीजेपी के अंदर, जो बाहर से लोग आए हैं घुसपैठ, जैसे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसते हैं और पूरा देश खराब कर लेते हैं, टेररिज्म से लेकर, हाँ ये क्या बोलता हूँ, नार्को यानी अमली पदार्थ, तो ऐसा ही हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी की शुद्धिकरण की ज़रूरत है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा बड़ा काम हिंदुत्व के लिए पार्टी ने किया है। हमने 25 साल उस पार्टी के साथ निकाले हैं, मुझे मालूम है बाला साहब ठाकरे जी और अटल जी के क्या रिश्ते थे, बाला साहब ठाकरे जी और आडवाणी जी के क्या रिश्ते थे, बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी
और मोदी जी के क्या रिश्ते थे और है हमें मालूम है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है ये सब जो बाहर से आए लोग हैं वो इस प्रकार से शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी के ऊपर या उद्धव जी के ऊपर हम सब के ऊपर कीचड़ उठा। भविष्य में दोबारा ऐसे रस्ते बनने की कोई संभावना दिखती है? देखिए राजनीति होती है, राजनीति में सिर्फ वैचारिक मतभेद होते हैं। जिस तरह से मिस्टर राणे ने जो शुरुआत की है उसे वैचारिक मतभेद नहीं कहते, वो तो जाति दुश्मनी निकालने की बात करते हैं। अगर आप जाति दुश्मनी कोई भी हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, आप राजनीति में जाति दुश्मनी के लिए, जिस तरह से मिस्टर राणे ने जो शुरुआत की है उसे वैचारिक मतभेद नहीं कहते, वो तो जाति दुश्मनी निकालने की बात करते हैं। अगर आप जाति दुश्मनी कोई भी हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, आप राजनीति में जाति दुश्मनी के लिए काम मत करिए, आप देश के लिए काम करिए, आप राज्य के लिए काम करिए। जो आपको अपनी बात रखनी है आप डेमोक्रेसी में बहुत से मंच पर जाकर अपनी बात रख सकते हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जनसभा हो। अगर आप जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हो तो मुझे बताइए हर राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, कौन से राज्य में इस प्रकार का बखेड़ा खड़ा हुआ? सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों? क्या आप इस बारे में सोचा है कभी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं ने? बिहार में चल रही है, पश्चिम बंगाल में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, सब जगह पे चल रही है। आप में इतनी गर्मी है, आप में इतनी गर्मी है तो जाइए गाजीपुर में जाइए, जहाँ किसान बैठा है दो साल से, उनके सामने खड़े होकर बोलिए जो बोलना है हो, उनके सामने जाकर अपनी गर्मी निकालिए, किसानों के साथ बात करिए। वहाँ जाने की हिम्मत नहीं आप? सर लास्ट क्वेश्चन, दोनों पार्टियाँ कभी एक साथ आ सकती है ऐसी कोई संभावना? देखिए बात ऐसी है, हमारे रिश्ते ना कभी ख़राब हुए थे ना कभी ख़राब होंगे, हम एक वैचारिक बंधन से हमेशा जुड़े रहे हैं और वो बंधन हिंदुत्व का है। हम अलग हुए लेकिन हमने कभी एक दूसरे से जाति दुश्मनी का माहौल नहीं बनाया, कभी भी हम एक दूसरे के कार्यालय के ऊपर पत्थरबाजी नहीं की थी, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला नहीं किया था हमने। लेकिन ये इसलिए हुआ है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं बीजेपी में, वो चाहते हैं इस प्रकार का संघर्ष चले और हमारे नेतृत्व को आगे जाने दीजिए। उससे सबसे बड़ा खतरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो वर्तमान नेता है उनको है। मैं बताता हूँ, मेरे साथ जो खड़े हैं नासिक के हमारे कार्यकर्ता, उनको कार्यकर्ता ने आंदोलन में भाग लिया था, पुलिस उनके भी पीछे पड़ी है, ठीक है, तो हमारे भी कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस पीछे पड़ी है। ऐसा नहीं कि कानून सिर्फ उनको ही पकड़ रहा है, अभी वो एंटीसिपेटरी के लिए जा रहे हैं, कोशिश करेंगे। सर मराठी मदद सामना, ओआईसी ने तालिबान का सपोर्ट किया है, साथ ही साथ ओआईसी जैसे कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है, देखिए कल, देखिए कल उसके ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई है, मैं अभी बाहर चर्चा करूंगा। सर मराठी मदद सामना म्हणून आज आपण जे म्हटलेलं आहे त्यामध्ये ईडीचे फेरे, चौकशीचे फेरे जे लागू शकतात का महाराष्ट्राला? एकूण लागले तरी हरकत नाही। आपण पाहिला असेल की महाराष्ट्र असेल, पश्चिम बंगाल असेल, झारखंड असेल, छत्तीसगड असेल, काही ठिकाणी जम्मू काश्मीरसुद्धा, इथे या सगळ्या तपास यंत्रणा फार वेगानं आणि जोरात काम करता करू द्या, पण इतर राज्यामध्ये काही घडतच नाही आहे का? घडत आहे ना, तिथंसुद्धा आमच्यापेक्षा काही भयंकर गोष्टी घडत आहेत, पण महाराष्ट्रामध्ये अनिल देशमुखांच्याच मागे लागत आहेत, महाराष्ट्रात प्रतापराव सरनाईक आमचे आमदार त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मागे लागलेले आहेत, अन्य काही लोकांना नोटिसा जात आहेत। आम्ही नावं देतो ना तुम्हाला, नोटिसा कोणाला पाठवायच्या? माझ्याडे, मी मागे बोललो तर माझ्याडे 100 नावं तयार आहेत, मी थांबलो आहे अजून, मी अजूनही थांबलो आहे, एक लक्षात घ्या, अजूनही थांबलो आहे। देशभरातली 100 नावं आणि त्यांचे कारनामे माझ्याकडे आहेत आजही आणि मी ती देणार। त्याच्यामुळे काय करतात, एक आता मी पाहिलं की त्या ईडीचे काही प्रमुख अधिकारी भाजपात सामील होत आहेत, म्हणजे कालपर्यंत तुम्ही ईडीमध्ये बसून भाजपात चालवत होतात ना, चलिए
अरे बापरे, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना कोण कोणाशी करते हा एक अपराध आहे। आम्ही शिवसेना भवनात शिवसेना प्रमुखांचा पुतळा हा थोडासा वेगळ्या पद्धतीने लावला तरी मराठा संघटनेने आक्षेप घेतला होता। बाळासाहेब ठाकरे ते किती महान नेते ज्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य पुढे नेलं। आता जर प्रति छत्रपती जर कोण समजत असेल तर या संघटना पाहतील, जागरूक आहेत। तिकडे संभाजीराजे भिडे, संभाजी भिडे आहेत ना, मनोहर भिडे, त्यांना ह्या गोष्टी आवडत नाहीत, ते बंद करतील सगळं। त्याने आमच्या विरोधात बंद केलेलं आहे अनेकदा, करू द्या। पण एक सांगू का, राजकारणामध्ये अशा प्रकारचे यात्रा काढणं, रथयात्रा काढणं याला बंधनं अजिबात नाही आहेत, काढल्या पाहिजेत। लोकांचा पाठिंबा जो तुम्हाला मिळत असेल, पण या जनआशीर्वाद यात्रेचा हेतू आपल्याकडल्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना समजलेला नाही। मी त्यांना सांगू इच्छितो, मोदीजींना काय सांगायचं आहे हे आपल्या लोकांना कळलेलं नाही आहे। इथे मोदीजींनी म्हणजे प्रधानमंत्र्यांनी ही यात्रा यासाठी काढली, काढा सांगितलं आहे की सरकार देशासाठी काय काम करत आहे हे लोकांपर्यंत जाऊन सांगा, काय काम करत आहे हे लोकांपर्यंत जाऊन सांगा, हे लोकांना सांगा। त्यांचं असं म्हणणं आहे ते योग्यही असेल की पार्लमेंट चालू शकलं नाही या वेळेला, त्याच्यामुळे अनेक गोष्टी लोकांसमोर गेल्या नाही। तेव्हा या मंत्र्यांनी, नवीन मंत्र्यांनी आपापल्या भागात जाऊन सरकारच्या कार्याच्या संदर्भातली माहिती जनतेला द्यावी। महाराष्ट्र जनतेला माहिती मिळाली का नवीन मंत्र्यांकडून, विशेषतः ज्यांच्याविषयी मला प्रश्न विचारताय? पहा तुम्ही, म्हणजे मोदींचं सूचना राहिल्या बाजूला, मोदींनी असं नाही सांगितलेलं आहे की तिकडे जा। महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे असतील, शिवसेना असेल, अन्य पक्ष असतील, हा त्यांच्यावर चिखलफेक करा, हे मोदीजींच्या सूचना किंवा आदेश नाही आहेत, अजिबात नाही आहेत। म्हणजे तुम्ही तुमच्या प्रधानमंत्र्यांचे आदेश पाळत नाही आहे, सूचना पाळत नाही आहे, तर ठीक आहे, लोकशाहीमध्ये टीकेला स्थान आहे। आम्ही टीका करतो, आम्ही टीका करतो सुद्धा आणि सहनसुद्धा करतो। ज्याला राजकारणात काम करायचं आहे त्यांनी ती सहन करावी। सभ्य भाषेत टीका केली तर ती स्वीकारली जाईल, टीकेला धार असली तरी स्वीकारली जाईल। पण तुम्ही कमरेखालचे वार कराल तर कमरेखाली तुम्ही सुद्धा आहात, हे सुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे। आणि काही असेल मी परत सांगतो, आमच्याबरोबर भाषेशी बरोबरी करणार आहात, आम्ही लिहिणारे आहोत, बोलणारे आहोत आणि सर्व काही करणार आहोत। सर लेटर लेटर पॉलिटिक्स असू द्या का गटर पॉलिटिक्स असू द्या, मला काही फरक पडत नाही, आमच्या पक्षाला काही फरक पडत नाही। तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं राजकारण करा, पण ते चांगल्या हेतूनं करा आणि चांगल्या सभ्य भाषेत करा। सर भविष्यात शिवसेना आणि भाजपा एकत्र येण्याची शक्यता आहे का? एकूण सध्या जे वातावरण निर्माण झालं आहे भाजपाची, नाही, नारायण राणे प्रयत्न करत आहेत, ज्या प्रकारे ते त्यांचा वावर आहे त्यांचे तेच प्रयत्न सुरू आहेत ना, किती महान माणसाला नेमलं आहे त्यांनी संबंध सुधारण्यासाठी। तर नाशिकचे कार्यकर्ते आलेले तुमच्याकडे, काय नेमकं त्याच्याबद्दल सांगाल? नाशिकचे कार्यकर्ते आले, मी त्यांचं ऐकून घेतलं ना, ऐकून घेतलं। राज्यभरामध्ये आंदोलन झालेली आहेत या प्रकारची, ही आंदोलनं का झाली याचा विचार करा। महाराष्ट्रामध्ये कधीही शिवसेना विरुद्ध भाजपा यांचे मतभेद झाले असले अनेकदा, तरी एकमेकांवरती चाल करून जाण्याची वेळ आमच्यावरती आली नव्हती। आमचे वैचारिक मतभेद झाले, आम्ही वेगळ्या निवडणुका लढलो, आम्ही सत्तेतून एकमेकापासून दूर गेलो, पण बाहेरून जे घुसखोर आले भाजपात त्यांनी हा माहोल निर्माण केला आणि त्याच्यातून या संघर्षाची ठिणगी पडली। आम्ही वेगळ्या निवडणुका लढलो, आम्ही सत्तेतून एकमेकापासून दूर गेलो, पण बाहेरून जे घुसखोर आले भाजपात त्यांनी हा माहोल निर्माण केला आणि त्याच्यातून या संघर्षाची ठिणगी पडली। भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेमध्ये कायम एक वैचारिक नातेबंद राहिला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आणि हे बंद कायम राहतात, पण आम्ही कधीही एकमेकांच्या कार्यालयावर दगड मारले नव्हते। पण आता कोणीतरी बाहेरचा माणूस येतो आणि सांगतो शिवसेना भवनावर दगड मारू, शिवसेना भवन तोडू,
हे मूळ भाजपचा माणूस कधी बोलणार नाही. लक्षात घ्या, हे बाहेरचे बाडगे बोलतात. कोणीतरी म्हणतो तिकडे जाऊन तू मुख्यमंत्र्यांच्या कानफडात मारीन, हे बाहेरची माणसं बोलतील. हे देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत दादा पाटील, आशिष शेलार, विनोद तावडे, सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, बरं का, हे कधी बोलणार नाही. मी तुम्हाला अगदी स्पष्ट करतो, हे सगळे बाहेरून आले लोक आहेत, बरं का. जसं महाराष्ट्रात देशातून बांगलादेशचे घुसखोर हैदोस घालतात, पाकिस्तानचे घुसखोर हैदोस घालतात आणि आपण त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करतो, माहोल बिघडवतात. बाळासाहेब सांगायचं तशा पद्धतीनं भाजपमध्ये जे बाहेरचे लोक आले त्यांनी हा माहोल बिघडवलेला आहे. आता कोणाला ते योद्धे वाटत असतील तर ठीक आहे. कल आपने जो सुबह बयान दिया था उसके बाद में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उत्तर प्रदेश में शिकायत दी है उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ की FIR दर्ज होनी चाहिए. आपके सुबह के बयान के बाद उनका स्टेटमेंट, मेरा क्या बयान था आप मुझे बता सकते हैं? 5 साल बाद उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ की FIR दर्ज होनी चाहिए. आपके सुबह के बयान के बाद उनका स्टेटमेंट, मेरा क्या बयान था आप मुझे बता सकते हैं? 5 साल बाद 6 साल बाद का एक वीडियो निकाला है. उस वक्त दो जी मुख्यमंत्री नहीं थी, वो एक राजनीतिक माहौल था, एक चुनाव चल रहा था और चुनाव में इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप होते हैं. उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ योगी जी के हाथों से, ऐसी भावना महाराष्ट्र की थी. उसके बाद उद्धव जी का वो बयान है, लेकिन हमारे हिसाब से वो मामला वहाँ ख़त्म हो गया. उसके बाद हम 2 बार अयोध्या में चले गए, उसके बाद 10 बार मैं योगी जी से मिला है, मैं योगी जी का आशीर्वाद लिया हूँ, योगी जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, उद्धव जी को और योगी जी की उसके बाद 20 बार बात हुई है. छोड़ दीजिए, चले बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, आपने कहा, क्या कहना चाहिए? राजेश्वर सिंह नहीं, मुझे मालूम नहीं कौन आ रहा है, मैं नाम दे लेना चाहता हूँ. लेकिन बीजेपी और ईडी का जो अलायंस गठबंधन हम लोग बोल रहे हैं वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है. बघा, गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यांच्यावरती अत्यंत कठोर कलमं लावली आहे, त्याचाच मी अभ्यास करत होतो. आता त्यातून असं आहे की कायद्याच्या लढाईत सामोरं जावं लागेल. मी त्यांना सांगत होतो की आपल्यासाठी कायदेशीर लढाई लढावं लागेल. आम्ही अटकेला घाबरत नाही, अटकेच्या भीतीनं या कोणी लढाया करत नाही, आम्ही अटकेला घाबरत नाही, आम्ही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाऊ. सर, सेना पाठीशी उभी राहील यांच्या, आता ते माझ्या पाठीशी, आता ते माझ्या पाठीशी कळलं, हां, आणि ते पाठीशी आहेत म्हणून शिवसेना पुढे जाते. थँक्यू सर. हां.